अमरोहा के मोहल्ला छंगा दरवाजा इलाके में बीती रात को किसी मामलेवाद को लेकर दो युवकों के बीच चाकूबाजी हुई, जिसमें इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। इस विवाद में दो युवक घायल हुए थे, जहां इलाज के लिए दोनों युवकों को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। और वहीं आपको बता दें कि इलाज के दौरान दिलशाद नामक युवक की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, जरा सुनिए। थाना अमरोहा नगर क्षेत्र में दो व्यक्तियों के बीच चाकूबाजी की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना स्थानीय से पुलिस ने पहुंच करके दोनों व्यक्तियों को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु स्थानीय सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें अत्यंत गंभीर अवस्था होने के कारण दोनों को हायर सेंटर उपचार हेतु रवाना किया गया था। एक व्यक्ति दिलशाद की उपचार के दौरान जनपद मुरादाबाद में मृत्यु हो गई। मृतक के परिजन से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, विवेचना जारी है। आपको बताते चले कि इस घटना के बाद दिलशाद के परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात दिखाई दी, जहां अमरोहा सीओ विजय राणा ने परिजनों को आश्वासन दिलाते हुए कहा है कि इस मामले के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या नतीजा निकल कर सामने आता है। न्यूज डेस्क अमरोहा टीवी।